السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله कैसे हैं बाबा उम्मीद करती हूँ कि आप अपने हलो आयाल के साथ बखैर व आफियत से होंगे अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अदा करें और आपके बच्चों को सलामत रखे अच्छी ज़िंदगी अदा करें रही बात मेरा एक सवाल है ख्वाब की ताबीर के ताल्लुक से कि मुझे ख्वाब में एक खजाना नज़र आता है ज़मीन में खजाना और वो ना मैं और मेरे साथ कोई और मेरे करीबी है वो तो मैं जानती हूँ उनको लेकिन वो कौन है पहचान नहीं सक रही हूँ वो खजाना काटते हैं ज़मीन से उसमें जेवरात वगैरह सोने का खजाना है जेवरात वगैरह है उसमें और वो मुझे देते हैं ले लो बोलते हैं मैं ना दिल चाहता है कि ले लूँ मगर फिर मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं ये मेरे लिए जायज़ नहीं है ये ले लो मैं नहीं ले सकती इसको इस तरह मैं कहता हूँ उनको वापस करती जेवरात को और उनसे कह रही हूँ कि आप ना एक दो या तीन बिस्किट ले लो हम ना उस सोने के बिस्किट्स को गरीबों में तकसीम कर देंगे ये लोग ना गरीबों को नहीं देते यानी वो जो खजाना है वो खजाना है ना हम चाहे तो ले सकते थे मगर हम नहीं चाह रहे हैं लेने के लिए इसलिए कि हुक्मरान को देना चाहते हैं लेकिन वहाँ के हुक्मरान जो है उसको गरीबों में तकसीम नहीं करते इस वजह से मैं कह रही हूँ एक दो बिस्किट्स ले लो हम तक गरीबों में तकसीम कर सके। खजाना देखा है बहन ने अपने ख्वाब में आपने ख्वाब सुन लिया है। अब मैंने इस ख्वाब की एज़ यूजुअल रुमाना को जहमत दी उन्होंने क्या ख्वाब की ताबीर बयान की है। इनके ख्वाब से एक अच्छी खबर महसूस हो रही है कि चूंकि इन्होंने ख्वाब में खजाना देखा और खजाने से मुराद यहाँ पे हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर वगैरह हैं तो अगर इन्होंने ऐसा देखा है तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है रिस्क में इजाफा और किसी किस्म की आसानी की तरफ ये अलामत महसूस हो रही है। और जो सोना इन्होंने देखा वो किसी किस्म की आजमाइश या खुदा ना ख्वास्ता किसी किस्म की मुश्किल या परेशानी या वक्ती तफक्कुरात वगैरह हो सकते हैं उनमें आने की कैफियत का इजहार हो रहा है तो लिहाजा अगर किसी किस्म के तफक्कुरात या परेशानी में आती हैं तो ऐसी सूरत में इंशाल्लाह इनके लिए आसानी का इंतज़ाम ज़रूर होगा इंशाल्लाह कि अल्लाह सुब्हान तआला से लॉ लगाएं और नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह सुब्हान तआला से मदद मांगें इंशाल्लाह मुश्किल के साथ आसानी है अल्लाह सुब्हान तआला खैर करेगा आमीन रब्बुल आलमीन वल्लाहु आलम। जज़ाकअल्लाह खैर बहुत खूबसूरत ताबीर आपने बयान की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे व्यूवर्स को इसी तरह से मुस्कुराता रखे और इनको अपने गैब से ख़जाने के दरवाज़े खोल दे मेरे लिए भी और आपके लिए और तमाम व्यूवर्स के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ हलाल वाफ़िर रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए हमें किसी का मोहताज न बनाए अपने फ़ज़्ल व करम से मुझे और आपको नवाजता रहे। थैंक यू सो मच रुमाना वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई मोहम्मद आकिल जद्दा से फ़ोन नंबर है 0096650468 6317।